नमस्कार, शाम 7 बजे न्यूज 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। दिन भर की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बात संसद की। नोटबंदी पर बहस के दौरान कल वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यसभा में बयान दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी पर चर्चा का जवाब वित्त मंत्री अरुण जेटली ही देंगे, लेकिन इस बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में मौजूद रह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रश्नकाल और चर्चा के दौरान पीएम मोदी मौजूद रहेंगे और सिर्फ वो उसी स्थिति में बोलेंगे जब जरूरत होगी। संसद के दोनों सदनों में नोटबंदी को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है और विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री नोटबंदी को लेकर सदन में बयान दें। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, विपक्ष के हंगामे के चलते लगातार आज 7वें दिन भी संसद की कार्यवाही स्थगित हुई है और जैसा कि समय की बर्बादी यहां पर हो रही है इस संसद के पूरे कार्यकाल के दौरान, शायद इसी के बाद अब फाइनली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि चलिए हम इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं, बयान दे देते हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो लगातार अगर 7 दिन की बात करें, पिछले हफ्ते भी डिमोनेटाइजेशन को लेकर राज्यसभा लोकसभा नहीं चल पाया, तो ऐसे में अब सरकार को लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार का जवाब आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई थी, तमाम विपक्ष के नेताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन सरकार को मौका नहीं मिल पा रहा है अपनी बात सदन में रखने के लिए। और वित्त मंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि वो हमेशा से जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बार बार विपक्ष की ये मांग हो रही है कि प्रधानमंत्री ही इस पर जवाब दें। तो प्रधानमंत्री ने डिमोनेटाइजेशन के इश्यू के ऊपर अनाउंसमेंट किया था, तो ऐसे में अब सरकार को लगता है कि प्रधानमंत्री का राज्यसभा में रहना मौजूद है और कल वैसे भी प्रधानमंत्री का दिन होता है राज्यसभा में मौजूद रहने का, तो ये सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में जो प्रश्नकाल होगा उसमें मौजूद रहेंगे और इसके बाद अगर राज्यसभा का माहौल ठीक ठाक रहता है, अगर शांति रहती है, सुचारू रूप से चलता है, तो वो राज्यसभा में जो डिनोमिनेशन पर जो चर्चा चल रही है उसके दौरान हस्तक्षेप करेंगे और हस्तक्षेप करने के बाद प्रधान वित्त मंत्री अरुण जेटली ही इसकी रिप्लाई देंगे, क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से मांग हो रही है कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही इस पूरे मूव को अंजाम दिया है। तो अब सरकार की तरफ से एक साफ किया गया कि नहीं, जवाब वित्त मंत्री अरुण जेटली ही देंगे, हो सकता है कि प्रधानमंत्री बीच में इंटरवेन कर दें। और इसी संबंधित कल सुबह 10 बजे बीजेपी के जो टॉप नेता हैं उनकी बैठक है फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर, तमाम जो बड़े नेता रहेंगे वो मौजूद रहेंगे सुबह 10 बजे की बैठक में और उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से करना है, लेकिन ये खबर पक्की है कि प्रधानमंत्री कल सुबह राज्यसभा में मौजूद रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।